हाय, आज हम करेंगे चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स वीडियो नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल करेंगे एंड मैंने एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी पहले ये समझते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें तीन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये कि आपको जीरो से निकालने आने चाहिए, दूसरा ये कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना आना चाहिए, तीसरा ये कि आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना आना चाहिए। तो तीन स्टेप हमारे क्या हो गए, फाइंड जीरोस, सेकंड फॉर्म में कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड थर्ड इज हमारा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आप देखो फिर से टॉपिक का नाम पढ़ो, पहले की बात समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप है वो दो चीजों के बीच में है। जैसे कि मेरा मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप है तो हम दो लोग हुए, हमारे बीच में रिलेशनशिप है। यहाँ पे वो दो चीजें क्या है, एक तो है जीरोस, एक है कोफिशिएंट्स। इसी के कारण से मैंने लिखा कि हमें जीरोस निकालने आने चाहिए। यहाँ तो क्या दिया, पॉलीनोमियल दिया, अब इसके जीरोस तो हमें निकालने हैं, कोफिशिएंट्स हमें कोफिशिएंट्स निकालने आने चाहिए। जब हमारे पास जीरोस भी होगा कोफिशिएंट भी होगा तो रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए, जीरोस तो आपने ऑलरेडी नाइन्थ में सीखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट क्वेश्चंस में अभी भी मैं आपको जैसे जैसे पॉलीनोमियल्स आएंगे वैसे वैसे समझाते जाऊंगी। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप हमें लिख सकते हो। एंड कोफिशिएंट्स कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म से आ जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले इसी स्टेप को अंडरस्टैंड करते हैं, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कंपेयरिंग का मतलब हो गया कोफिशिएंट्स को देखना। तो हमने देखा x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 7 है तो a की वैल्यू हो गई 7। ओके, x का कोफिशिएंट क्या है, b। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -11/3, माइनस साइन साथ जाएगा, याद रखना b इज इक्वल टू -11/3। कांस्टेंट टर्म क्या है, c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c, -2/3, तो c की वैल्यू हो गई -2/3। तो ये तो हो गया कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा आपने ऐसे ही करना है। तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम इसको यूज कर पाए। हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -11/3 एंड c इक्वल टू -2/3। ओके, अब हम जीरोस भी निकालते हैं इसके, ठीक है, जीरोस भी वहां लिख देंगे, फिर लास्ट स्टेप रह जाएगा फाइंड द रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास आ गया 7x, इस पॉलिनोमियल को फिर से लिख लेते हैं, 7x² - 11/3x - 2/3। ओके, जीरोस निकालने के लिए पहला स्टेप, मैं आपको जो स्टेप्स बता रही हूँ ऐसे समझ लो ये सब ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसमें स्किपिंग नहीं करना है। जहां आप स्टेप स्किप कर सकते हो मैं आपको खुद गाइड करूंगी कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था ये सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, ऑलवेज आपको लिखना है पुट 7x² - 11/3x - 2/3 = 0। क्योंकि हमें जीरोस निकालने थे हमने पॉलीनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करा। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डिनोमिनेटर रिमूव करती हूँ क्योंकि फ्रैक्शंस तंग बहुत करते हैं, तो उसको पहले सिंपलीफाई करके एक सिंपल बात लिख लेते हैं। एलसीएम लेने से मेरे पास ये आ गया 21x² - 11x - 2 = 0। ओके, अब मैं इसे फैक्टराइज कर लेती हूँ, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये हो गया 21x² - 14x + 3x - 2। ये जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है ये बाय एक्सपीरियंस आती है, दैट मींस बाय प्रैक्टिस आती है। सो इसको आप, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका वीक एरिया है तो आप क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक खोल के वहां पे जितने क्वेश्चन हुए हैं सबको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, हमारे पास 7x कॉमन है इधर, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 2 एंड यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2 और यहाँ पे 1 आ गया. तो दिस बिकम्स 7x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब हम कहेंगे 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 2 बाय 3. तो हमारे पास जीरो आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7 एंड x इज इक्वल टू 2 बाय 3. ये हमारे जीरो आ गए. अब हम देखते हैं रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं. पॉलीनोमियल हमारे पास दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 11 बाय 3x माइनस 2 बाय 3. अब हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस. इसके दो जीरोस हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो जीरोस हैं. ऑलरेडी हमने निकाले भी हैं, दो ही तो हैं, तो दो जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस यानी कि इन दोनों जीरोस को ऐड करके हमारे पास आना चाहिए माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाय ए. ये हमारा रिलेशनशिप है, ये आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ये वेरीफाई करना होता है. सिर्फ इसको करने के लिए हमने एबीसी निकाला एंड जीरोस भी निकाले क्योंकि ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे. तो मैं एक दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड कर देती हूँ. ये हो गया सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए. यहाँ पे हम देखेंगे इस रिलेशनशिप को और इधर हम देखेंगे दूसरी रिलेशनशिप को. दोनों में वेरीफाइंग द रिलेशनशिप का मतलब हुआ हमें सिर्फ करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है. तो सम ऑफ जीरोस मैं यहाँ पे LHS लिख लेती हूँ, यहाँ पे RHS लिख लेती हूँ. सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम, सम मतलब ऐड करना है. माइनस 1 बाय 7 प्लस 2 बाय 3 तो ऐड करेंगे तो LCM आ गया 21 माइनस 3 प्लस 14 इक्वल टू 11 अपॉन 21. RHS is minus b by a. तो मैं यहां से values उठाऊंगी. एक तो याद रखना जब ये माइनस साइन लगाते हो तो उसके बाद ब्रैकेट में ही b की वैल्यू डालो. ये बात आप एक मान लो, इसको स्किप मत करना वरना मिस्टेक होने के चांसेस हैं. तो माइनस साइन लिखा, ब्रैकेट में b की वैल्यू डाली, b की वैल्यू है माइनस 11 बाय 3 माइनस 11 बाय 3, a की वैल्यू है 7. इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 11 बाय 21. तब देख सकते हो LHS और RHS सेम आ गए तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. ये चीज हम यहाँ पे करेंगे LHS RHS. LHS कितना है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना. जीरोस क्या है, माइनस 1 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 तो हमारे पास आ गया माइनस 2 अपॉन 21. RHS देखते हैं, RHS है सी बाय ए that means minus 2 by 3 upon 7 तो ये भी minus 2 upon 21. तो आपका LHS and RHS आ गया same. तो ये हो गया verifying the relationship between zeros and coefficients. alright, इसके ऊपर base question है exercise में, आप easily कर पाओगे. कोई भी doubt आता है तो आप exercise वाली videos खोल कर वहाँ पे question by question आप देख सकते हो, आपका problem solve हो जाएगा. फिर भी कुछ समझना है तो आप हमें लिख सकते हो, we'll help you. okay, thank you.